इम्प्लीमेंटेशन देखा, कहने के लिए बहुत बढ़िया है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करी पुलिस ने, ये लॉन्च किया, यहाँ तो करप्शन बढ़ रहा है पुलिस डिपार्टमेंट। भरतपुर में महाराज कुमार अनिरुद्ध सिंह ने भरतपुर शहर की समस्याओं के लिए अनूठी पहल शुरू की है। उन्होंने भरतपुर विकास समिति का गठन किया और आम लोगों की समस्याओं का समाधान कराने और उन्हें राहत देने की बात कही। पार्टी का सदस्य नहीं, क्लियरली मैं एक न्यूट्रल, मैं बिल्कुल, आप मेरा ट्विटर अकाउंट भी देखें तो मैं मोदी जी की भी तारीफ करता हूं, मैं बीजेपी की बैंड भी बजाता हूं। अगर इमेज के लिए मुझे चीजें करनी होती तो मैं ये सब बनाते हैं कि अलग से समिति मैंने बनाई है अपनी आवाज अलग से उठाने के लिए, और इसका निशाना कांग्रेस की तरफ भी हो सकता है, बीजेपी की तरफ भी हो सकता है, आप किसी भी की तरफ, मीडिया की साइड तो खैर कभी नहीं होगा, लेकिन समिति का मकसद ये है कि जन की आवाज उठाई जाए। समिति अगर आवाज चाहती, मेरे को चाहती है कि कांग्रेस के खिलाफ आवाज उठाई जाए तो मैं कांग्रेस के खिलाफ भी आवाज उठाऊंगा। हम लोग हैं, सेवा करते हैं। मथुरा गेट पुलिस स्टेशन के जो वो हैं इंचार्ज खलील अहमद जी, वो तो फोन ही नहीं लेते हैं। उन्होंने आम लोगों से अपील की कि वो स्मार्टफोन का प्रयोग करें और भ्रष्टाचार की तुरंत वीडियो रिकॉर्डिंग करें, जिससे पुलिस के भ्रष्टाचार में कमी आ सके। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उनकी समिति सरकार के खिलाफ नहीं है, वो प्रशासन की अव्यवस्थाओं के खिलाफ है और आम लोगों के साथ है। महाराज कुमार अनिरुद्ध सिंह पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह के बेटे हैं। भरतपुर से न्यूज के लिए राजेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।